नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश शर्मा और मैं एक न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम आ गए हैं रेडिसन ब्लू होटल। यहाँ पर एक बिजनेसमैन है जिनके घुटनों में काफ़ी तकलीफ है, तो उन्होंने मेरे को यहाँ पर बुलाया है अपने प्राइवेट सेशन के लिए। तो आज मैं आपको बताऊँगा 5 मिनट के अंदर आप अपना या अपने प्रियजनों का जो घुटने का दर्द है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए उनके रूम में चलते हैं। तो बैठिए। अभी माफ कीजिएगा, हम तक तो आपका फोन आया था मेरे पास। हाँ जी नीरज जी, तो आपके घुटने में कुछ आप तकलीफ बता रहे थे। हाँ जी, मुझे थोड़े दिन पहले कुछ चोट लगी थी। अच्छा, कौन से इस वाले में है? इस वाले में, लेफ्ट वाले। तो कितना टाइम हो गया है इसको लगे हुए? वैसे तो 6 महीने हो गया, लेकिन दर्द अभी अभी फिर शुरू हुआ है इसमें। अच्छा, किस चीज से आपको चोट लगी है? मोजा। अच्छा अच्छा, मतलब मोजा। तो आपने पहले कहीं ट्रीटमेंट करवाया इसका? जी नहीं, मैंने कहीं ट्रीटमेंट नहीं करवाया था पहले। ठीक है, बट मुझे अभी अभी दर्द होने लगा है, तो मेरे किसी जानने वाले ने आपका रेफरेंस दिया था मुझे। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कॉल किया था। ठीक है गाइस, तो देखिए अभी इनको घुटनों में दर्द है और 6 महीने पुराना है। अभी इन्होंने कहीं से ट्रीटमेंट नहीं करवाया, ये एक अच्छी बात है। तो आज हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे लेटा करके, और सिर्फ 5 मिनट, मतलब मेरे को नहीं लगता कि 5 से 7 मिनट से ज़्यादा आपको लगेंगे। और उसके बाद हम इनका रिव्यूज लेंगे, देखेंगे कि कितना इनको उसमें अच्छा लगता है, कितना रिलीफ मिलता है, कितना इनका पेन ठीक होता है, और इनको चलवा के भी देखेंगे साथ के साथ। ठीक है, तो आइए सर, आप यहाँ पर आकर के लेट जाइए। देखिए, जब भी आप करें तो सबसे पहले ध्यान रखें तकिया हटवा दें। तकिया हटा दीजिए, ये दोनों। तो अगर आपके पास में बेड नहीं है तो आप नीचे लेटा सकते हैं, और अगर आप नीचे नहीं लेटाना चाहते, कुछ लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है तो डॉक्टर मना करते हैं नीचे बैठना नहीं है, लेटना नहीं है घुटने के दर्द की वजह से, तो आप यहाँ पर लेटा। ठीक है, तो आपके कौन से वाले में था? इसमें आपने बताया, इसमें बताया। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि इनके दोनों पंजे एक बराबर है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये देख रहे हैं थोड़ा सा आगे पीछे है, तो आप झटका ना दें, क्योंकि आप नए हैं तो कई लोग आपने देखा होगा ऐसे पकड़ के झटका देते हैं। ठीक है, तो वो ना करें आप, बेटर रहेगा कि हल्का सा स्ट्रेच कर दें दोनों को, पहले आगे फिर दोनों को पकड़ लें इस तरीके से, और पीछे की तरफ हल्का सा स्ट्रेच कर दें, फिर स्ट्रेच करें। उसको बराबर करते हैं, अब देखें आप कि यहां पर दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब जिस एक बात ध्यान रखें, जिस घुटने में दर्द है उसी का ट्रीटमेंट करना है, दूसरे का नहीं करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर घुटने को लेना है इस तरीके से, मतलब पैर को पकड़ना है एड़ी वाली साइड से, हाथ का सपोर्ट नीचे होना बहुत जरूरी है, और इस तरीके से आप एंकल को क्लॉकवाइज करेंगे। फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे आप 3-4 बारी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी इनको इनका जो ट्रीटमेंट अभी हुआ है वो बिल्कुल आज पहली सेटिंग है, और जो इनका दर्द है वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, तो इसलिए मैं एक बार ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको एक्स्ट्रा कर सकते हैं। इसके बाद में आपको करना क्या है, सिंपली ये जो आप एरिया देख रहे हैं यहां पर आपको दोनों हथेली को ऐसे रखना है और हल्का सा घिसाई करनी है। आठ दस बारी करें, फिर इधर से आठ दस बारी करें, ध्यान रखें कि बाल ना टूटे वहां पर, आराम से कर रहे हैं, बहुत तेज तेज नहीं कर रहे, हल्का हल्का सा
हल्का सा रब कर दें, ऐसे उंगली बनाएं और अंगूठा साथ में रखें, और जो घुटना है उसके आगे पीछे पटेला जो है क्लॉकवाइज करें, आराम आराम से करें, जल्दबाजी ना करें। आप चाहें तो यहाँ पाउडर भी लगा सकते हैं ताकि बाल टूटे ना, उलझे ना। उसके बाद हल्का हल्का सा नीचे की तरफ रब करते हैं। अब एक लास्ट ट्रीटमेंट रह गया है, वो भी आप देख लीजिए। इसके लिए आपको ये रस्सी चाहिए जिसको हम नाड़े वाली रस्सी या नाड़े वाला धागा इस तरीके से भी बुलाते हैं, जो कुर्ते पजामे में डाला जाता है। ये फ्लेक्सिबल होती है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये आपको ले लेना है, ये मैं लेकर के आया था साथ में अपने, क्योंकि मेरे को पता था कि घुटने के ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा जो काम आने वाली जो हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं उसमें ये सबसे ज्यादा काम आएगी, ठीक है। तो इस थेरेपी के अंदर सबसे ज्यादा आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये रस्सी आपके पास होनी चाहिए। इसको सबसे पहले आप अंगूठे पे लपेटेंगे इस तरीके से, यहां पर आप बांध देंगे इसको ऐसे, फिर उंगलियों के बीच से निकालेंगे ऐसे, ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, ज्यादा ढीला नहीं होना चाहिए। फिर वापस लपेट देंगे, अंगूठे की तरफ लेंगे, फिर वापस लपेटेंगे एक बारी, मतलब दो तीन चार बारी आप अच्छे तरीके से लपेट देंगे। अब इसके बाद में रस्सी को हर एक दो दो इंच के बाद, दो से ढाई इंच के बाद आप पूरे पैर की एड़ी पर अच्छे से लपेटें, जहां टकना है उसको छोड़ दें, फिर ऊपर आ जाएं, ज्यादा गैप ना हो ध्यान रखें, टाइट बांधना है, बहुत ढीला नहीं होना चाहिए, बहुत ढीला होगा तो भी काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से दो इंच का फासला रखते हुए इसको कस के बांधे, घुटना छोड़ दें, मतलब जो पटेला वाला एरिया है उसको छोड़ दें। और बाकी रस्सी पेशेंट के हाथ में पकड़ लीजिए, सर कस के पकड़ते रखिए। अब थोड़ी देर ऐसी रहेंगी, लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए। जब आपको 30 सेकंड से 1 मिनट हो जाए तब आपको पैर को उठाना है, ऊपर ऊपर उठाइए और इस तरीके से चलाना है। फिर आप लोग जाएं, और इसके बाद में आप रस्सी को खोल दें, सॉरी कर दीजिए, पैर को उठा लीजिए। खोलते हुए आप जल्दी जल्दी भी खोल सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन एकदम उस तरफ दौड़ेगा जिस तरफ की दर्द है, और दर्द में आपको आराम मिलेगा। बस रखिए नीचे और गांठ खोल दीजिए। अब पैर को सीधा कर लीजिए, 1 मिनट का रेस्ट लेगा यहां पर, ठीक है। सर आप उठिए और एक बार चलिए, थोड़ा सा वॉकिंग करिए और बताइए आपको कितना इसमें फर्क लग रहा है।
काफी बेटर फील हो रहा है, उठने में भी दिक्कत होती थी पहले, तो उठने में दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, तो इन्होंने जैसे बताया है कि सिर्फ हमने 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाए हैं और उसके अंदर इनको काफी अच्छा लग रहा है, काफी रिलीफ मिला है, अभी अच्छे तरीके से चल पा रहे हैं, उठ के बैठ रहे हैं, तो इनको जो पहले दर्द हो रहा था अब वो नहीं है। तो इसी तरीके से आप भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप ठीक नहीं कर सकते हैं या आपको ऐसी समस्या है जो इनको नहीं थी इसके अलावा भी, तो आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है ऊपर, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी डिटेल्स को, ताकि हम वहां पर भी आपको रिप्लाई दे सकें। तो आप आइए हमारे पास में और न्यूरोथेरेपी से लाभ लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद नीरज जी।